आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का जो सवाल है इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन साम्य अवस्था के लिए सही है। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहली बात, हमें डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में एक संबंध पता होता है, जो कि होता है डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम एल एन को बदलना चाहें, यानी इसको बदलना चाहें लॉग पे, ठीक है, तो एल एन क्या होता है, ये होता है हमारा लॉग ई। ठीक, बेस में अगर ई है, आधार में अगर ई है तो वह एल एन कहलाता है। ठीक, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एल एन ए। अब देखो ये बराबर होता है, अगर इसको हम लॉग में बदलना चाहें आधार 10 में, ये होता है 2.303 लॉग 10 ए। ठीक है, ये होता है इसके बराबर। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी गुड़े 2.303 और इसको हम लिखेंगे लॉग के। ठीक, अब देखो अगर साम्यावस्था की बात करेंगे तो साम्यावस्था में क्या होगा, साम्यावस्था में डेल्टा जी जीरो होगा, ये साम्यावस्था की एक कंडीशन होती है। यहाँ पर डेल्टा जी जीरो होगा, इसका कारण यह है कि जब साम्यावस्था होती है तो गिब्स एनर्जी का जो अंतर होता है वह हमारा जीरो होता है, इसलिए डेल्टा जी भी जीरो होगा। अब देखो यहां से अगर डेल्टा जी जीरो है तो अभी हम रख देंगे यहां पर, यहां से होगा डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी गुड़े 2.303 लॉग के। अगर हम यहां से पक्षांतरण करें तो डेल्टा जी नॉट यहां से आएगा माइनस का 2.303 ठीक आर टी लॉग के, ये होगा हमारा डेल्टा जी नॉट। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन नंबर दूसरा है सही होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।